हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ लेक्चर। दिस इज द 28th लेक्चर ऑफ द सीआरपीसी। आई एम एडवोकेट गौरव सिंह अदाना। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड लेफ्ट व्हाट इफ द चार्ज शीट वाज इनकम्प्लीट। उसको रिटर्न कर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो लास्ट टाइम वी हैड सीन दैट केस दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई 2000 सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले हमने डिस्कस किया था चार्जशीट में डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी। सो एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें फोटो कॉपी नहीं की गई थी, तो इन दैट केस इट इज़ अ टेक्निकल डिफेक्ट। दूसरे दिन फोटो कॉपी दी गई थी आफ्टर 90 डेज, तो इस वजह से वो इनकम्प्लीट नहीं मानी जाएगी। चार्ज इनकम्प्लीट नहीं मानी जाएगी और इस कंडीशन में डिफॉल्ट बेल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सो अदर पॉइंट्स, ऑल अदर पॉइंट्स वी हैड डिस्कस्ड जो भी थे वो इस केस में हुए थे, दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई। ये फोटो कॉपी वाला पॉइंट नहीं हुआ था इसमें। लेट्स सी फर्दर। सो राइट डाउन ऑन दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई 2007 सुप्रीम कोर्ट। इट वाज हेल्ड दैट विद इन 60 डेज और 90 डेज अकॉर्डिंग टू केस द चार्जशीट इज फाइल्ड within 60 days or 90 days the charge sheet is filed, then the accused will lose the right to default bail. However, the charge sheet should be a complete charge sheet. Therefore, if the magistrate finds that the charge sheet is incomplete, then he can return the charge sheet and deem it not to have been filed, and therefore right to default bail will still exist. However, if the charge sheet was found to be completed but some report or some other document is pending and the police officer has written a note regarding that, ये भी जरूरी है कि नोट भी लिखना चाहिए क्यों उसने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कोर्ट को। रिटन ए नोट रिगार्डिंग दैट, देन मेयरली बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज पेंडिंग इट कैन नॉट बी सेड टू बी इनकम्प्लीट चार्जशीट एंड देयरफॉर The right to default bail will get defeated. अब ये भी देखना पड़ेगा कि जो pending documents है वो मात्र एक दो documents हैं उसके regarding note लिखा क्यों pending है, और अगर सारे ही जो pending document है वो submit नहीं किए वो सारे के सारे, then charge sheet would be considered to be incomplete charge sheet और उधर default bail मिल जाएगी। Now, similarly, if a completed charge sheet has been filed within the said period, but a supplementary investigation is going on, then also since the charge sheet has been completed and has been filed within the specified period, the right to default bail will get defeated. So, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि supplementary investigation चल रही है, और but the necessary thing is that the charge sheet जो है हमारी पहले फाइल हो चुकी है और वो कंप्लीट है, उसके बाद अगर सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो जो डिफॉल्ट बेल है, राइट टू डिफॉल्ट बेल विल गेट डिफीट। अब ये पॉइंट तो इस वाले केस में हो गए थे। नाउ लेट सी द पॉइंट ऑफ फोटोकॉपी वाला, वो सेपरेट है, दैट विज नॉट इन दिस केस। सो राइट डाउन द पॉइंट, इफ द चार्जशीट इज कंप्लीटेड एंड हैज बीन फाइल्ड but the xerox copy of the document has not been filed by the police officer and the judicial magistrate returns the charge sheet for such copies to be filed, then merely because of the non filing of the xerox copy the charge sheet will not be said to be incomplete. The filing of xerox copy by the police officer is an internal arrangement between the police officer and the judiciary and the rights of the parties means yahan pe dono aayega prosecutions or defense. Okay. Would not get affected by that. Okay. So in the previous lecture I had told you कि मात्र इस वजह से कि एक दो कॉपी हमारी जेरोक्स कॉपी या फिर कोई जेरोक्स कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट तो फाइल हो गए सारे बट जेरोक्स कॉपी फाइल नहीं हुई उनकी, तो मात्र इस वजह से पार्टीज वुड नॉट गेट अफेक्टेड। तो इसमें दोनों पार्टी आ सकती है प्रोसिक्यूशन। अब इधर हम बात करें प्रोसिक्यूशन की, तो प्रोसिक्यूशन का राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसका राइट क्या होता है कि डिफॉल्ट बेल ना मिले जो एक्यूज्ड है उसको।
ये भी बता दिया था मैंने, ये इंटरनल अरेंजमेंट है, सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा कि फोटो कॉपी कौन कराएगा, या जुडिशियरी की तरफ से कराई जाएगी या पुलिस ऑफिसर, बट ये जो ट्रेंड में चल रहा है कि पुलिस ऑफिसर करा कर देता है। सो द राइट्स ऑफ द पार्टीज वुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट, सच ए चार्जशीट वुड सेट टू बी कंप्लीटेड एंड हेंस द राइट ऑफ द एक्यूज्ड विल गेट डिफीटेड इन सच ए केसेस ए परपजिव इंटरप्रिटेशन बेस्ड अपॉन इक्विटी, परपजिव इंटरप्रिटेशन अपॉन बेस्ड अपॉन इक्विटी एंड जस्टिस शैल बी मेड। द पर्पज ऑफ सेक्शन 167 क्लॉज 2 प्रोविजो इज टू, अब ये व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन 167 क्लॉज 2, प्रोविजो ऑफ 167 क्लॉज 2 इज टू डिक्लेयर दैट वंस द चार्जशीट इज फाइल्ड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द मजिस्ट्रेट चेंजेस एज नाउ द इंक्वायरी प्रोसेस स्टार्ट। तो इसका पर्पज ये है प्रोवाइजो का 167 क्लॉज 2 का, ये डिक्लेयर करता है कि एक बार जब चार्जशीट फाइल हो जाती है हमारी, तो मजिस्ट्रेट की जो कॉम्पिटेंसी है वो तुरंत चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी प्रोसेस चालू हो जाता है। द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग डिफॉल्ट विल टू द एक्यूज्ड इज दैट दैट सिंस द पुलिस ऑफिसर हैज डिफॉल्टेड इन कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड द मजिस्ट्रेट नॉट हैव एनी फर्दर कॉम्पिटेंसी। तो जो पर्पज है हमारा डिफॉल्ट बिल देने का ये है कि क्योंकि जो गलती है पुलिस ऑफिसर की है, उसने डिफॉल्ट किया है कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन विद इन 60 डे टाइम पीरियड और 90 डेज, एंड द मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव एनी फर्दर कंपिटेंसी, और 167 क्लॉज 2 में हमारा जो कंपिटेंसी नहीं है, प्रोवाइजो क्लियर कहता है कि वो डिफॉल्ट बिल देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो उसको फर्दर कॉम्पिटेंसी नहीं है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर दैट, क्योंकि प्रोविजो क्लियर कहता है हमारा फर्दर कॉम्पिटेंसी नहीं है उसको कस्टडी में रखने के लिए। सो द एक्यूज्ड कैन नॉट बी केप्ट इन कस्टडी एनी फर्दर, देयरफॉर द एक्यूज्ड हैज टू बी ग्रांटेड द डिफॉल्ट बेल। तो इस वजह से उसको डिफॉल्ट बेल देनी पड़ती है। बट वंस ए कंप्लीटेड चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिफॉल्ट बेल। अब एक बार जब कंप्लीट चार्जशीट फाइल हो जाती है हमारी, तो उधर डिफॉल्ट बिल देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एज द मजिस्ट्रेट एक्वायर्स द कंपिटेंसी, वहां पे फिर कंपिटेंसी 167 के प्रोविजो से नहीं देखी जाएगी, कंपिटेंसी हमारी देखी जाएगी 309 से, वेयर द कंपिटेंसी ऑफ द मजिस्ट्रेट चेंजेस अंडर शिफ्टेड टू सेक्शन 309। तो मजिस्ट्रेट एक्वायर्स द कंपिटेंसी अंडर 309 मेयर स्लाइट डिफेक्ट्स इन द चार्जशीट विच इज अदरवाइज कंप्लीट विल नॉट डिफीट द पर्पज एज एक्सप्लेन्ड अबव, एंड देयर फॉर द राइट ऑफ द एक्यूज टू गेट डिफॉल्ट बेल विल गेट डिफीटेड। और मात्र कुछ स्लाइट डिफेक्ट्स अगर हैं चार्जशीट में और बाकी की चार्जशीट कंप्लीट है हमारी, जैसे फोटो कॉपी वगैरह है, ऑल दोज थिंग्स, तो दैट विल नॉट डिफीट द पर्पज, तो वो उस पर्पज को डिफीट नहीं करेगी। विच पर्पज? कि अब कॉम्पिटेंसी हमारी 309 में आ गई है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आफ्टर द चार्जशीट, तो जो 167 क्लॉज 2 का पर्पज था उसको डिफीट नहीं करेगी। और उसका क्या पर्पज था? कि अगर डिफॉल्ट होगा चार्जशीट फाइल करने में, तभी हमारा राइट डिफॉल्ट बेल का राइट एरोज होगा, बट अगर डिफॉल्ट ही नहीं है तो फिर वो उस पर्पज को डिफीट नहीं करेगी, विल नॉट डिफीट द पर्पज एज एक्सप्लेन्ड अबव, एंड देयर फॉर द राइट ऑफ द एक्यूज टू गेट डिफॉल्ट बेल विल गेट डिफीटेड। और वो राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल हमारा डिफीट हो जाएगा और उसको डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगी एक्यूज को। अब तक हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे अरेस्ट हुआ कहीं, यहाँ पे कहीं FIR हुई होगी, एक्यूज अरेस्टेड हेयर विद इन 24 आवर्स, प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद 15 डेज टाइम पीरियड, या तो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, इधर तक ही मिल सकती है 15 डेज तक, उसके बाद नहीं मिलेगी पुलिस कस्टडी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। जब कब तक रहेगा डिपेंड करता है कि ऑफेंस कौन सा किया उसने, बिलो 10 ईयर्स तो वो रहेगा,
मोर 45 डेज, और अगर अबव 10 इयर्स वाला ऑफेंस किया तो 75 डेज मोर मैक्सिमम रह सकता है, तो जुडिशियल कस्टडी में रह सकता है। इधर कहीं उसके 90 डेज या 60 डेज समाप्त हो रहे हैं, सो एट द 91st डे और 61st डे उसका डिफॉल्ट बेल का राइट एरोज हो जाता है। सो जब 90 डेज या 60 डेज कंप्लीट होने वाले हैं तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि इन्फॉर्म करे एक्यूज को तुम्हारे 90 डेज समाप्त होने वाले हैं 60 डेज, एंड यू विल, ये लॉयर की ड्यूटी है जिसको लॉयर प्रोवाइड कराया जाए ये दैट यू वुड गेट द डिफॉल्ट बेल ऑन द 91st डे और 61st डे। सो इन्फॉर्म करेगी कोर्ट 75th डे पे या 45th डे पे, उसके बाद 90 डे पे प्रोड्यूस होगा दोबारा, 15-15 दिन के टाइम पीरियड पे प्रोड्यूस होता है ना, तो उस दिन इन्फॉर्म करेगी दिस इज द लास्ट डे चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, और तब तक उसका डिफेंस लॉयर भी अरेंज कर दिया जाता है, या फिर वो एक्यूज खुद कर लेगा या फिर कोर्ट अरेंज करा देती है, तो उधर कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं पड़ती और डिफेंस लॉयर अपने आप रेज करता है उस क्वेश्चन को और उसको 91st डे पे डिफॉल्ट बेल मिलेगी। सो 90 डे पे अगर रात मान लो 8 बजे अगर 90 डे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसी टाइम प्रोड्यूस होगा, या फिर 91st डे को 10 बजे अगर कंप्लीट होते हैं तो उस दिन प्रोड्यूस होगा 10 बजे के बाद, तो वो टाइम देखा जाता है। दीज आर द सिचुएशंस, वैसे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम के हिसाब से कोर्ट नहीं चलता, वो डेज देखता है, बट थियोरटिकली अगर देखें तो दैट वुड मैटर। सो 91st डे पे जब वो आता है अक्यूज्ड आता है तो उसके साथ बेल पर बेल बॉन्ड फर्निश किए जाते हैं, बेल बॉन्ड में अमाउंट वगैरह सियोरिटी सिक्योरिटी वो तो उसी दिन तय होगी, तो और बेल एप्लीकेशन जब मूव किया जाएगा तो उधर कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं, उधर तो सिंपल कैलकुलेशन होगी वेदर द 60 डेज और 90 डेज आर कंप्लीटेड और नॉट, और वेदर चार्जशीट इज फाइल्ड और नॉट। सो इस काइंड की सिचुएशन में जब मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता दैट कि मैं आई वुड डिसाइड इट लेटर ऑन, तो उसको उसी टाइम डिसाइड करना पड़ता है। फिर बात आती है सिक्योरिटी और सियोरिटी की, वो अरेंज करना पड़ता है एक्यूज्ड को, एंड ही हैज टू अरेंज ऑन द सेम डे सो दैट ही वुड गेट द बेल। अब मान लीजिए इसमें एक सिचुएशन अरोज होती है कि जिस दिन एक्यूज्ड आया उस दिन राइट टू बेल डिफॉल्ट बेल उसको मिलनी थी, एप्लीकेशन मूव नहीं हुई, उससे पहले चार्जशीट फाइल हो गई, देन द राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल विल बी डिफीटेड। अगर मान लीजिए कि एप्लीकेशन मूव हो गई उसके बाद तुरंत बाद उसने चार्जशीट फाइल की पुलिस ऑफिसर प्रोसिक्यूशन ने, देन द राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल विल नॉट डिफीटेड और उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी एक्यूज को। अब एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि दोनों साथ में मूव कर दिया एप्लीकेशन और चार्जशीट, देन इन दैट सिचुएशन द चार्जशीट वुड बी प्रेफर्ड एंड द राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल वुड बी डिफीटेड। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द कंप्लीटेड चार्जशीट। अब ये तो एग्जामिन करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब उसमें ये एग्जामिन करेगा सारे कॉलम्स फिलअप होने चाहिए, सेक्शंस लिखे होने चाहिए किस सेक्शन में उसको चार्ज किया जा रहा है एक्यूज को, एविडेंसेस सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं कि नहीं उसमें चार्जशीट में। अब मेन जो एविडेंसेस थे, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ नहीं, मेन एविडेंसेस थे वो लगाए नहीं, ओके, जो एग्जामिनेशन वगैरह नहीं हुआ तो देन चार्जशीट वुड नॉट बी कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी अनदर सिचुएशन इन दिस टॉपिक, we would see in there is a case on it, Uday Mohan Lal Acharya versus State of Maharashtra 2001 Supreme Court. The fact of this case is that on the 91st day the application was moved by the defense to judicial magistrate, then in this case either malafidly और बोनाफाइडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिजेक्टेड द बेल एप्लीकेशन, देन द पार्टी डिफेंस पार्टी एक्यूज गोज इन द अपील, बट इन बिटवीन द चार्जशीट वॉज फाइल्ड, जब तक अपील डिसाइड नहीं हुई थी उसके बीच में चार्जशीट फाइल
हो गई थी। अब वेदर इन दिस सिचुएशन द राइट टू गेट डिफॉल्ट बिल वुड डिफीटेड और वेदर द एक्यूज्ड वुड स्टिल गेट द डिफॉल्ट बिल, बिकॉज इसमें फिर जो अपीलेट कोर्ट है उसमें एग्जामिन करेगी वेदर द बेल एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड ऑन द ऑर्डर वॉज गिवन इज एरोनियस और नॉट। एरोनियस मीन्स एदर मेलाफाइडली जानबूझकर उसने रॉन्गफुली और बोनाफाइड या फिर कुछ बोनाफाइड इंटेंशन थी कोर्ट की उसके दुर्विचार नहीं थे तब भी रिजेक्ट की है एप्लीकेशन। बस ये देखेगी जो राइट टू डिफॉल्ट बिल था वो एरोज हो गया था या नहीं हुआ था उस टाइम जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। अब बाद में चार्जशीट फाइल हुई है डज नॉट मैटर इन इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेड 60 और 90 डेज द एक्यूज्ड डज नॉट गेट द राइट टू डिफॉल्ट सॉरी The accused does get the right to default bail for which he will have to move an application. तो 60 और 90 दिन के बाद accused को right मिल जाता है default bail के लिए और उसके लिए application move करनी जरूरी होती है। Application move करेगा accused. He will have to move the application. If the judicial magistrate reject the application erroneously, either malafidly or bona fide. Then, while the appeal against the order is pending, if the charge sheet is filed, okay, so the judicial magistrate, agar erroneously, ya to malafide intention se ya bona fide intention se, reject kar deta hai application ko, to, aur appeal mein jata hai accused, us order ke khilaf, aur wo appeal pending hai. उसी दौरान इफ द चार्ज शीट इज फाइल्ड द राइट टू डिफॉल्ट बेल विल नॉट गेट डिफीटेड। तो उस वजह से कि चार्ज शीट अपील के दौरान फाइल की गई है अपील का ऑर्डर नहीं आया है द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल विल नॉट गेट डिफीटेड। द मिस्टेक वॉज दैट ऑफ द कोर्ट तो बिकॉज द मिस्टेक इज ऑफ द कोर्ट एंड द एक्यूज शुड नॉट बी मेड सफर बिकॉज ऑफ दैट। हाँ अगर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एप्लीकेशन मूव की एक्यूज ने और एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है कि वो प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो उस वजह से वो कोर्ट उसको डीम करती है कि दैट एप्लीकेशन इज नॉट मूव्ड उस वजह और तब राइट जो क्या कहते हैं बेल है उसको रिजेक्ट कर देती है। सो इन दैट सिचुएशन तो ये माना जाएगा कि बेल एप्लीकेशन मूव हुई नहीं है। ओके जैसे कि एक सिचुएशन आ सकती है कि कोर्ट उसमें टेक्निकली कंसीडर क्या करेगा कोर्ट ये देखेगा नंबर ऑफ डेज कंप्लीटेड और नॉट तो कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं अभी नंबर ऑफ डेज पूरे नहीं हुए 60 डेज और 90 डेज और उसी दौरान क्या कहते हैं अपील में चले जाते हैं और मान लो अपील में गए उसके एक दिन बाद ही 90 डेज और 60 डेज कंप्लीट हो गए तो वो जो 60 डेज और 90 डेज थे उसके दौरान तो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुआ था बेल एप्लीकेशन वो उससे पहले हुआ था और उससे पहले फिर उसके बाद हम अपील में चले गए। मान लो यहाँ पे 60 डेज और 90 डेज कंप्लीट हुए हो रहे हैं हमारे और बेल एप्लीकेशन इधर मूव की 60 डेज 90 डेज इधर कंप्लीट हो रहे हैं इधर बेल एप्लीकेशन कोर्ट ने नहीं सुनी और उसका ऑर्डर दे दिया दैट इट इज द बेल एप्लीकेशन इज नॉट प्रॉपर और राइट अभी अरोज नहीं हुआ तो उसके खिलाफ हम अपील में चले गए। अपील में गए इधर अपील सुनी जा रही है इस टाइम पीरियड पे हम अपील में गए अब इधर हमारे 90 डेज पूरे हो गए तो इन दैट सिचुएशन द डिफॉल्ट बिल विल नॉट गेट व्हाई बिकॉज द बेल एप्लीकेशन है 90 डे और 60 डेज से पहले की दी गई थी और जो कोर्ट का ऑर्डर था वो एररनियस नहीं था और इस टाइम पीरियड तक उससे बीच में ही चार्जशीट फाइल कर दी गई है। अब एक केस देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सीबीआई वर्सेस निराला यादव 2014 सुप्रीम कोर्ट। अब स्पेशल लॉज होते हैं लाइक कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर अदर कोई अगर एक्ट है या फिर लॉ है जिसमें कुछ पावर होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को
जो कि इन्वेस्टिगेटिंग टाइम जो 60 डेज, अब ऑफेंसेस भी हाईली ग्रेव टाइप के होंगे, मोर ग्रेव टाइप के होंगे, तो इसमें 90 डेज मान लेते हैं, या फिर अदर 60 डेज हो या 90 डेज जो भी है, पर जिसमें पावर दे रखी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए, किसके इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए। अब 90 डेज और 60 डेज के बाद जैसे मान लो 30 दिन का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया इन्वेस्टिगेशन का, अब क्या इन्वेस्टिगेशन का जैसे ही टाइम पीरियड एक्सटेंड किया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर भी नहीं आ जाएगी जुडिशियल कस्टडी को भी एक्सटेंड करने के लिए, ये पावर भी साथ में वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो इन केसेस लाइक पोटा वगैरह के केसेस में जब टाइम पीरियड एक्सटेंड करने की पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, उसी प्रकार से उसकी जुडिशियल कस्टडी की पावर भी उसके साथ बढ़ जाती है। अब मान लीजिए इन सिचुएशंस में जैसे 90 डेज कंप्लीट हो गए, उसके बाद एप्लीकेशन मूव की, इससे पहले ही एप्लीकेशन मूव कर दी किसके लिए, रेड डिफॉल्ट बेल के लिए, और उसी टाइम जो प्रोसिक्यूशन है उसने एप्लीकेशन मूव की इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, तो राइट टू, क्या इस सिचुएशन में राइट टू बेल डिफॉल्ट बेल गेट डिफीटेड, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो पहले मूव हो गई है ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गेटिंग द टाइम पीरियड एक्सटेंडेड। अब मान लीजिए इधर एप्लीकेशन मूव की टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए और 90 डेज के बाद उसने डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन मूव की, तब इस सिचुएशन में उसकी जो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन है वो डिफीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड हमारा एक्सटेंड कर दिया गया है। सो इस केस में जैसे ही हमारे 90 डेज प्लस 30 डेज और दिए गए, सो 120 डेज के बाद अगेन जो राइट है डिफॉल्ट बिल का वो एरोज हो जाएगा। तो एप्लीकेशन इज पुट विद इन 90 डेज टाइम पीरियड, किसकी, एक्सटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड। और व्हाट विल हैपन द कंप्लीशन ऑफ 120 डेज, जैसे उस एग्जाम्पल में बताया था मैंने, जितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया था डिफॉल्ट बिल विल अगेन राइज, जो राइट है वो दोबारा अराइज हो जाएगा, और वंस द डिफॉल्ट बिल अराइज इट कैन नॉट बी डिफीटेड, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल में 90 डेज से पहले एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद एप्लीकेशन लगी एक्सटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड, एक बार एरोज हो गया तो वो डिफीट नहीं होगा। सो राइट डाउन द पॉइंट्स इन दिस केस, द मजिस्ट्रेट शैल डिसाइड अपॉन द बेल एप्लीकेशन ऑन द सेम डे व्हेन द एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 60-90 डेज टाइम पीरियड। सेकेंड पॉइंट, द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 60-90 डेज इज एन इनडिफिजिबल राइट एंड इट कैन नॉट बी डिफीटेड इन ऑर्डनरी कोर्स और केस। इन दोज केसेस वेयर लॉ लाइक पोटा प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट, द पीरियड ऑफ चार्जशीट कैन बी एक्सटेंडेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड। वंस द पीरियड ऑफ चार्जशीट इज एक्सटेंडेड देयर आफ्टर द पीरियड ऑफ कस्टडी विल ऑल्सो गेट एक्सटेंडेड, नाउ द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट बेल विल बी द एक्सटेंडेड डेट। However, if the original 90 days period is over and the accused has got the right to default bail, then even if an application for extension of the period is filed thereafter, the right to default bail will not get defeated. अब एक सिचुएशन ये आ सकती है कि इन्वेस्टिगेशन चली है एक एक्यूज्ड के खिलाफ, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अब सेकंड एक्यूज्ड को एक और एक्यूज्ड इन द ट्रायल, मजिस्ट्रेट को लगा कि एक और एक्यूज्ड है इसमें और उसको भी ज्वाइन करा लिया ट्रायल प्रोसीडिंग्स में, क्या उसमें डिफॉल्ट बेल अराइज होगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन चली नहीं, उसको कस्टडी वगैरह में रखा नहीं, डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद उस स्टेज पे मजिस्ट्रेट ने उस एक्यूज्ड को ट्रायल में ज्वाइन कराया है, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिफॉल्ट बेल। अब इसमें ये केस है कि एक और सिचुएशन है कि अगर चार्जशीट 90 और 60 डेज हो गए इन केसेस में, और उसके बाद 90-60 डेज के बाद ना तो वो एप्लीकेशन लगाया गया किसके द्वारा, एक्यूज्ड के द्वारा,
डिफॉल्ट बेल के लिए, और उसके बाद 960 डेज के बाद एप्लीकेशन लगाया एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो क्या राइट टू डिफॉल्ट बेल डिफीट होगा? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पहले मूव होना चाहिए था. बट अगर चार्जशीट लग जाती बिफोर द एप्लीकेशन, दैट इज डिफरेंट सिचुएशन. चार्जशीट लग जाती बिफोर द डिफॉल्ट बेल वो एप्लीकेशन, देन द डिफॉल्ट बेल वुड बी गेट डिफीटेड. सो द लॉजिक बिहाइंड दैट इज दैट कि 90 और 60 डेज के बाद मेरा राइट अराइज हुआ, चार्जशीट फाइल नहीं किया आपने, उसके बाद एप्लीकेशन लगा रहे हो. आपका राइट था कि भाई एप्लीकेशन लगाने के 90-60 डेज से पहले आपको पता इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती थी, उससे पहले एप्लीकेशन लगा के एक्सटेंड करा सकते थे. बट मेरा एक बार राइट एरोज हो गया, उसके बाद तुम एप्लीकेशन लगा रहे हो, देन माई राइट वुड नॉट गेट डिफीटेड ऑफ डिफॉल्ट बिल. नाउ स्टार्ट विद 167 क्लॉज 2 का सी. बी तक तो हमने देख लिया, नाउ सी. नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास Not specially empowered in this behalf by the High Court shall authorize detention in the custody of the police. Means second class magistrate है वो empowered नहीं है. क्या देने के लिए? Police custody देने के लिए empowered नहीं है. कब तक? जब तक not specially empowered by the High Court. जब तक High, अब इसको skip कर देते हैं. No magistrate of the second class shall authorize detention in the custody of police. No magistrate of second class shall authorize detention in police custody unless empowered by the High Court. Okay, so what we can say that magistrate of second class cannot give the police custody unless the High Court empowers him. Second class is not authorized to give police custody or cannot give police custody unless the High Court empowers him. Now let's see explanation 1. For the avoidance of doubts, it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in the paragraph A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail. So ye main already bata chuka hu aapko ki jab tak बेल फर्निश नहीं करेगा, 90 डेज और 60 डेज पीरियड अगर ओवर भी हो जाता है, उसका डिफॉल्ट बेल का राइट अराइज हो जाता है, तो अपने आप वो नहीं छूटेगा जब तक वो टेक्निकलिटीज फुलफिल नहीं करेगा. व्हाट आर द टेक्निकलिटीज? फर्निशिंग बेल, बेल बॉन्ड विद सीआरटी सिक्योरिटी, ऑल दीज थिंग्स, मूविंग बेल एप्लीकेशन. और टेक्निकलिटीज क्या? ये एक प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड. एक्सप्लेनेशन 2. इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज whether an accused person was produced before the magistrate as required under clause B. Clause B में जो requirement है कि जो police custody या judicial custody दी जाएगी वो accused की presence में दी जाएगी. Okay, यही तो कह रहा है clause B, जो custody दी जाएगी accused की presence में दी जाएगी. तो अगर इस बात पर कोई question arose होता है, accused कहता है कि that the custody was not given in my presence, मैं उधर present ही नहीं था, तो उस चीज के बारे में बोल रहा है. इफ अगर उस पर क्वेश्चन, इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर एन अक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड, भाई प्रोडक्शन के बाद ही दी जाएगी, हर 15 दिन में उसको प्रोड्यूस किया जाता है. वेदर एन अक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज बी द प्रोडक्शन ऑफ. अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, कंटेंशन उठाता है अक्यूज्ड में प्रोड्यूस ही नहीं था जब कस्टडी दी गई थी, तो उस टाइम द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन मे बी प्रूव्ड बाई हिज सिग्नेचर. जो कस्टडी दी जाती है तो उस टाइम उसका सिग्नेचर लिए जाने चाहिए, और वो उसके सिग्नेचर लिए गए होंगे उधर जो ऑर्डर दिया गया होगा, तो प्रोडक्शन उसका उसके सिग्नेचर से हम प्रूव कर सकते हैं ऑन द ऑर्डर ऑथराइज्ड डिटेंशन. ओके, तो इस पे तो हम ऑथराइज्ड डिटेंशन के ऑर्डर पे वहां पे प्रेजेंट था और ऑर्डर दिए गए थे, उसके सिग्नेचर से प्रूव कर देंगे. अब ऐसी सिचुएशन भी थी, हमने देखा था कि अगर वो लाया नहीं जा सकता, ऐसे इस तरीके के केस हैं और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, देन इन दैट सिचुएशन बाय द ऑर्डर सर्टिफिकेट बाय द मजिस्ट्रेट, ऑर्डर सर्टिफिकेट बाय द मजिस्ट्रेट कि पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाएगी कि भाई ये एक्यूज्ड कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, इसके जान को खतरा है या फिर इस तरीके की सिचुएशन है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए. तो वो सर्टिफिकेट इशू होगा मजिस्ट्रेट और उसके ऑर्डर को, तो उस ऑर्डर से प्रूफ हो सकता है
कि दैट प्रोडक्शन वॉज डन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज वॉज डन एंड आफ्टर दैट द कस्टडी वॉज गिवन बाय द ऑर्डर सर्टिफिकेट ऑफ द मजिस्ट्रेट एज टू द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज एज द केस में भी. तो उस सर्टिफिकेट से प्रूव करेंगे कि जो प्रोडक्शन एक्यूज का हो चुका है हमारा थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड वीडियो लिंकेज. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सप्लेनेशन टू कि हाउ टू नो दैट द एक्यूज वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पासिंग द पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी. मेक द एक्यूज साइन अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है और या वीडियो लिंकेज इन केस द मजिस्ट्रेट इज हु प्रेजेंट्स ही विल डन गिव द टेस्टिमनी. या तो वो टेस्टिमनी दे उसका प्रीवियस ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट ने दिया है कि भाई इसके अलाउ की जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर कोई व्यक्ति प्रेजेंट है कोर्ट में तो उनकी टेस्टिमनी वगैरह से भी प्रूफ हो सकता है इस काइंड के सिचुएशंस में. नाउ लेट्स सी द प्रोविजो ऑफ इट प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ए वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज ऐसी वुमेन जो 18 साल से नीचे की द डिटेंशन शैल बी ऑथराइज इन केस ऑफ ए वुमेन अंडर 18 ईयर ऑफ एज द डिटेंशन शैल बी ऑथराइज टू बी इन कस्टडी ऑफ ए रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन. तो उनको जेल में नहीं भेजा सकता या तो रिमांड होम में भेजा जाएगा या रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में. इन केस ऑफ वुमेन रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन लेस देन 18 ईयर्स. नाउ लेट्स सी 2A नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन if he is not below the rank of sub inspector may where a judicial magistrate is not available. तो ऐसी कब सिचुएशन आएगी ज्यादातर तो हम मेजरली तो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे किसी भी अक्यूज को. पर ऐसी सिचुएशन आ सकती है दंगे वगैरह की सिचुएशन में जहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन रेयर काइंड ऑफ सिचुएशन तो वहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. तो वहां पे एक्यूज्ड को हम प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने. ऑन हुम द पावर्स ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड. और ये भी जरूरी है कि जो उसको पावर दे रखी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की. ए कॉपी ऑफ एंट्री इन द डायरी हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू द केस. अब केस डायरी जैसे मजिस्ट्रेट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी ले जाएंगे. एंड सेल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज्ड टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. और उसी समय जैसे प्रोडक्शन उसके सामने होता था मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन होगा एक्यूज का. एंड देयर अपॉन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. और उस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करेगा. उसके बाद ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन सच कस्टडी एज ही मे थिंक फिट. और उसके बाद वो कस्टडी में दे सकता है उस एक्यूज पर्सन को. एंड ये कस्टडी की बात करिए मे बी जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी एज ही मे थिंक फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days बट वो 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता. जैसा कि वहां पे उधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर थी 15 days में जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी 15 days की दे दे और 60-90 days की तो वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं इधर तो 60 और 90 days का. क्यों? क्योंकि वो तो एक्सीडिंग 7 days की दे ही नहीं सकता. तो 7 days में पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी वो देना चाहे वो दे सकता है इन द एग्रीगेट टोटल. एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथराइज. और जो एक्सपायरी ऑफ पीरियड जो ऑथराइज पीरियड है expiry of the period detention so authorized the accused person shall be released on bail. jo authorized period kitna hai 7 days ka of the period of detention so authorized expiry of the period of detention so authorized the accused person shall be released on bail. to wo accused person hamara bail pe chhod dena chahiye except matlab 7 din ke baad wo bail par chhod diya jayega except exception aa gaya where an order for the further detention of the accused jahan par ki further order detention ka accused ka ho chuka accused person ka has been made. ab wo kiske dwara hona chahiye further detention by a magistrate competent na ki executive magistrate. wo magistrate competent to make such order aise magistrate jo competent magistrate hai jo aisa order karne ke liye competent hai. and where no
ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड, यहां पे ऐसा ऑर्डर नहीं किया गया। द पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्यूज्ड वॉज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर्स मेड बाई एन एग्जीक्यूट, ओके सो एंड वेयर नो ऑर्डर। अब इसको यहां से छोड़ते हैं। शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल एक्सेप्ट, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल वेयर नो ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड, तो वो बेल पे छोड़ दिया जाएगा अगर फर्दर ऑर्डर पास नहीं हुआ तो, ओके। अब नाउ नेक्स्ट, द पीरियड ड्यूरिंग विच एक्यूज्ड पर्सन वॉज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर्स मेड बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी टेक इन अकाउंट इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए ऑफ द प्रोविजो सबसेक्शन 2। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जो पीरियड डिटेंशन के लिए जो दिया 7 दिन के अंदर के जो भी पीरियड है वो अकाउंट में लिया जाएगा वो 60 डेज और 90 डेज में। मान लो 4 दिन के लिए दे दिया तो 90 डेज की है, ओके तो 86 डेज रिमेनिंग, क्यों 4 डेज का वो दे चुका है तो ये अकाउंट किया जाएगा जो डिटेंशन उसको दे चुके हैं हम एक्यूज्ड को। Provided that before the expiry of the period aforesaid, seven days period, the executive magistrate shall transfer to the nearest judicial magistrate the records of the case. तो 7 days period या जो भी aforesaid period है 7 days का executive magistrate transmit करेगा nearest judicial magistrate को क्या records of the case जो भी record है उसके case के together with a copy of the entries जो case diary के साथ relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of the police station, और जो कि transmit होगा किसके through, which वो procedure भी बता दिया, which was transmitted to him by the officer in charge of the police station, वो police station के in charge के through transmit होगा, और the police officer making investigation as the case may be, और या फिर police officer ऐसा police officer जो investigation कर रहा है उसके through transmit होगा। सो ये 2A के लिए डिटेंशन गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज की अथॉरिटी, उसको 7 डेज से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर 7 डेज के बाद अगर उसको शिफ्ट नहीं किया गया उसके केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास और उसने फर्दर डिटेंशन नहीं दी तो उसका राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल अराइज हो जाएगा और दैट वुड बी इनडिफिजिबल और उसको बेल मिल जाएगी डिफॉल्ट बेल एक्यूज्ड को इफ नॉट प्रेजेंट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिफोर 7 डेज। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कि विद इन 7 डेज द केस मस्ट बी शिफ्टेड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और जो पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड मान लीजिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने तो जब शिफ्ट होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो जो पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड है वो उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस समय से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हुआ था। तो वहां पे अब 7 दिन की कस्टडी तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दे दी तो बचे कितने 15 - 7 8 दिन बचे 8 डेज लेफ्ट तो मैक्सिमम 8 डेज की पुलिस कस्टडी और दे सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और जो टोटल टाइम पीरियड है उसमें से भी ये टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा इंक्लूड किया जाएगा। मैक्सिमम कस्टडी इसको जो दे रखी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको हटाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम दे सकता है। क्लॉज 3, ए मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। तो यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट हमारा ऑथराइज होता है इन दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस कस्टडी देने के लिए, यहाँ पे भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी देगा वहां पे रिकॉर्ड करेगा शैल रिकॉर्ड His reasons, कि वो रीजन रिकॉर्ड करेगा क्यों दे रहा है वो कस्टडी पुलिस कस्टडी। नाउ क्लॉज 4, एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द CJM मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद हिज रीजन फॉर मेकिंग इट टू द CJM। तो CJM खुद को तो नहीं देगा वो जो रीजन रिकॉर्ड करेंगे वहां पे वो रीजन कि पुलिस कस्टडी क्यों दी जा रही है तो खुद को तो नहीं देगा बट जो CJM से नीचे वाले जितने भी मजिस्ट्रेट हैं एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द CJM उससे नीचे वाले जितने भी मजिस्ट्रेट हैं मेक सच ऑर्डर सेल फॉरवर्ड ए कॉपी वो फॉरवर्ड करेगा कॉपी किसको ऑफ हिज ऑर्डर विद द रीजन जो रीजन यहाँ पर दिए गए हैं ऑर्डर क्यों पुलिस कस्टडी दी जा रही है फॉर मेकिंग इट टू द CJM वो फॉरवर्ड करेंगे CJM को। नाउ क्लॉज 5,
इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट एज ए समन केस. तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द समन केस, नॉट ऑफ द वारंट केस. तो समन केस ज्यादातर हमारे, समन केस तो हमारे 10 साल से नीचे वाले जो पनिशेबल होते हैं वही होंगे. तो उसमें 60 डेज का टाइम पीरियड होता है. इफ इन ए केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एज ए समन केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच द एक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड. तो फ्रॉम द डेट ऑफ टाइमिंग, जो डेट ऑफ टाइमिंग 6 मंथ की है जो काउंट होगी वो हमारी फ्रॉम द डेट ऑफ FIR नहीं होगी बल्कि डेट ऑफ अरेस्ट, जो एक्यूज को अरेस्ट किया गया उस डेट से काउंटिंग होगी 6 मंथ की. सो दिस क्लॉज इज टॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द समन केस. ओके, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती किस टाइम पीरियड से कम कैलकुलेट करेंगे हम 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्यूज्ड अरेस्टेड. अगर अरेस्ट नहीं हुआ, अगर एक ऑफेंस में कई सारे एक्यूज्ड हैं, मान लो कि एक्यूज्ड नंबर 1, 2, 3, 4, अब काउंटिंग किस, जो लास्ट वाला जो एक्यूज्ड है वो हुआ मान लो 6 महीने बाद जो फर्स्ट एक्यूज से, तो काउंटिंग किस दिन से 6 मंथ होगी जिस दिन पहला वाला एक्यूज्ड हमारा अरेस्ट हुआ था. ओके, तो फर्स्ट एक्यूज्ड उस केस में जब हमारा अरेस्ट हुआ था उस दिन से 6 मंथ काउंट होंगे. इन ए केस केस ट्रायबल, इन एनी केस ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट एज ए समन केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम ए डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वाज अरेस्ट. जिस दिन से एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ उसके 6 महीने के अंदर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होती है, द मजिस्ट्रेट सेल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन टू द ऑफेंस अनलेस द ऑफिसर. ठीक है, तो ये तो एक्सेप्शन हो गया. तो मजिस्ट्रेट सेल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो मजिस्ट्रेट वहां पे स्टॉप कर देगा, स्टॉप के ऑर्डर देगा, इन्वेस्टिगेशन के स्टॉपेज के ऑर्डर देगा कि दैट नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वुड बी डन इन दिस केस एंड द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी स्टॉप इन दिस केस. अब यहाँ पर हम डिफॉल्ट बेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. डिफॉल्ट बेल तो समन केस में हमारी पहली हो जाएगी आफ्टर द 60 डेज, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है. क्लियर लिखा है इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तभी तो हमारा क्लोज केस क्लोज करने की बात कर रहा है. तो केस क्लोज हो रहा है मतलब किस बेसिस पे हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है. अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो 60 डेज के बाद समन केस है तो ऑब्वियसली 10 ईयर से नीचे के होगा, तो 60 डेज के बाद उसको डिफॉल्ट बेल मिली हुई है पहले से ही, एक्यूज्ड को पहले से ही वो बेल पर है. द मजिस्ट्रेट सेल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन टू द ऑफेंस अनलेस, अब ये एक्सेप्शन हो गया, द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाई द मजिस्ट्रेट दैट फॉर स्पेशल रीजन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द कंटिन्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ इज नेसेसरी. जब तक हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाई ना कर दे मजिस्ट्रेट को स्पेशल रीजन, और रीजंस भी ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए, दैट मस्ट बी स्पेशल रीजंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और जो रीजन है दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी टू बी कंटिन्यूड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, द कंटिन्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ इज नेसेसरी. 6 महीने से ज्यादा वो अभी 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई और जरूरी है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी. सो द 167 क्लॉज 5 एंड 6 आर फॉर द समन ट्रायल केस एंड इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द अरेस्ट, सच केस विल बी क्लोज फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड नॉट फ्रॉम द FIR. जिस दिन से अरेस्ट हुआ एक्यूज्ड उस दिन से गिना जाएगा, ना कि FIR से. नाउ लेट्स सी द क्लॉज 6. क्लॉज 6 कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक बार मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर कर देगा स्टॉपिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसमें, सेशन कोर्ट में. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अपील, अपील में नहीं जाएगा वो, एप्लीकेशन सिंपल एप्लीकेशन मूव करेगा और वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन हमारा ऑर्डर कर सकता है. वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन टू एन ऑफेंस हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5, इसमें द सेशन जज मे इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड, एप्लीकेशन अपील नहीं, एन एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन टू द ऑफेंस ऑट टू बी मेड वैकेट द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 5.
जो इसमें स्टॉपिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो ऑर्डर किए थे उसको वैकेट कर देगा एंड डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द ऑफेंस सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू बेल एंड अदर मैटर्स एज ही मे स्पेसिफाइड। और बेल वेल अगर जो भी उसके सब्जेक्ट टू अदर डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन देगा बेल वेल के लिए उसके रहते हुए वो ऑर्डर दे सकता है, किसके लिए सेट असाइड कर सकता है इसके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। सो वेयर द इन्वेस्टिगेशन अंडर 165 क्लॉज इज बीइंग स्टॉप बाय मजिस्ट्रेट देयर आफ्टर पुलिस ऑफिसर में गो सेशन जो एप्लीकेशन मूव करेगा नॉट द अपील कंटिन्यू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन और अलाउ कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। सो हियर वी हैव कंप्लीट सेक्शन 167 इन ऑल। होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।